नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके घर पूजा व्रत आदि है तो चलिए आज बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के कढ़ाई पनीर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। कढ़ाई पनीर के लिए हम लेंगे 400 ग्राम्स पनीर, 2 कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मगज, 10 से 12 काजू, 1 इंच से थोड़ा बड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च और 3 टमाटर। अभी हम अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, काजू, मगज और जीरा को मिक्सी में डाल के फाइन पेस्ट बनाएंगे। टमाटर आप कम खट्टे वाला ही ले लीजिए। ग्रेवी का पेस्ट बनकर अभी तैयार है। कैप्सिकम और पनीर को आप थोड़ा बड़े साइज में काट के रखेंगे। चूल्हे पे अभी प्यान रखेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसमें कैप्सिकम डाल देंगे और इसे थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। मैंने पहले से पनीर को थोड़ा हल्का फ्राई करके निकल के रख दिया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। उसी प्यान में और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अभी हम इसमें सभी खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें है तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 इंच का दालचीनी, 3 से 4 लौंग और 2 छोटी इलायची। अभी इसमें डाल दीजिए ग्राइंड किया हुआ मसाला। फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखिएगा। इसे अभी 2 मिनट भून लीजिए। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 5 से 6 मिनट मसाले को भूनने के बाद इसका पानी पूरा सूख गया है और मसाला पूरी तरह से भून चुका है। अभी डाल देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, भुना हुआ कैप्सिकम और पनीर। इन्हें हम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अभी डाल दीजिए इसमें पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर ग्रेवी थोड़ा थिक रखेंगे तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। अभी इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाइए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें और थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं। अभी हमारा कढ़ाई पनीर बिना प्याज और लहसुन के बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।